हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो TDBF को लेकर भी एक अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। तो TDBF के टाइमलाइन को लेकर सवाल उठ रहे थे कि नेवी का जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है वो कब तक इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन कर सकता है। तो इस पर इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनोद कुमार द्वारा ये कहा गया कि इंडियन नेवी MiG-29K को अपनी सर्विस से 2032 में TDBF से रिप्लेस करना चालू कर देगी, और वो तब होगा जब इनिशियल फंड्स प्रोटोटाइप को बनाने के लिए पहले ही क्लियर कर दिए जाएं, जो कि करीबन 14,000 करोड़ के होंगे 4 प्रोटोटाइप के। तो करीबन 10 साल का समय जो है वो इस एयरक्राफ्ट को लगेगा इंडियन नेवी की सर्विस ज्वाइन करने में, और वो भी तब जब फंड्स टाइम में रिलीज होंगे, साथ ही साथ प्रोजेक्ट में किसी तरह का डिले ना हो। तो इंडियन नेवी की सर्विस में MiG-29K को एक दशक से थोड़ा ही ज्यादा समय हुआ है, तो कम से कम इसे एक दशक और इंडियन नेवी की सर्विस में रहना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह की परेशानियां जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं, जिस तरीके का सर्विसेबिलिटी रिकॉर्ड इस एयरक्राफ्ट का है, जो इसका सेफ्टी रिकॉर्ड है वो इम्प्रेसिव नहीं है। तो इंडियन नेवी चाहेगी कि ये एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द रिप्लेस हो और एक रिलायबल प्लेटफॉर्म जो है वो इंडियन नेवी की सर्विस में आए। पर अनफॉर्चुनेटली MiG-29 को रिप्लेस करने के लिए जो TDBF एयरक्राफ्ट आना है वो कम से कम एक दशक दूर है, और नेवी की मजबूरी यहाँ पर यह है कि MiG-29K को रिप्लेस करने के लिए कोई और प्लेटफॉर्म चूज किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि INS विक्रमादित्य में जो स्पेस है वो MiG-29K के हिसाब से है। जो बाकी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट हैं जिसमें रफाल और FA-18 सुपर हॉर्नेट हैं, वो INS विक्रमादित्य की लिफ्ट में ही फिट नहीं होंगे। तो यहाँ पर नेवी की मजबूरी बन जाती है, लेकिन फिर भी हमें एडिशनल एयरक्राफ्ट कम से कम INS विक्रांत के लिए लेने पड़ेंगे, जिसके लिए ये जो MRCBF कॉम्पिटिशन है इसे बहुत जल्दी कंक्लूड करना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही थी कि इस साल के अंत से पहले पहले विनर जो है वो बताया जा सकता है, पर अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट या इंडिकेशन जो है वो नहीं दिखाई दिए हैं। चांसेस यहाँ पर ये भी नज़र आते हैं कि अगर रफाल या FA-18 सुपर हॉर्नेट में से एक एयरक्राफ्ट चूज किया भी जाता है तो हो सकता है कुछ एयरक्राफ्ट शुरुआत में लीज में लिए जाएं, ताकि कैपेबिलिटी और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा गैप ना हो, क्योंकि एक बार जब डील साइन होती है तो कम से कम 2 साल का समय लग जाता है एयरक्राफ्ट की डिलीवरी स्टार्ट होने में। यानी कि अगर इस साल भी हम इस डील को साइन करते हैं तो 2025-26 से पहले एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन नेवी की सर्विस ज्वाइन नहीं करेंगे, और वो भी तब जब हम डील साइन कर लें। पहले तो विनर घोषित किया जाएगा, उसके बाद डील साइनिंग में भी लंबा समय लगता है, और तब तक INS विक्रांत से ब्लैक पैंथर स्क्वाडन जो है वो ऑपरेट होगा, जो कि MiG-29K का स्क्वाडन है। यानी कि इस एयरक्राफ्ट को हम INS विक्रांत से भी ऑपरेट करेंगे। तो जिस तरीके की टाइमलाइन जो है वो TDBF के निकल कर सामने आ रही है, ऐसा लगता है कि आमका Mk2 के साथ यहाँ पर एवियोनिक्स जो है वो शेयर हो सकते हैं, और कई 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ ये एयरक्राफ्ट जो है वो आने वाला है। तो जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है कि आमका Mk1 और Mk2 में काफ़ी डिफरेंस होने वाला है। Mk2 जो है वो बेटर 5th और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, और क्योंकि उसके पैरेलल में TDBF का डेवलपमेंट चलेगा तो वो टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इसके साथ भी शेयर हो सकती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम TDBF के कितने नंबर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंडियन नेवी की सर्विस में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो फिलहाल के लिए सर्विस में हैं। इंडियन नेवी का प्लान जो है वो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करने का है, और जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है वो सुपर कैरियर की कैटेगरी का होगा। तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर में खुद 2 स्क्वाड्रन जो हैं वो एक बार में आने में सक्षम होंगे, यानी कि अराउंड 40 के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट उसमें एक बार में आने में सक्षम होंगे। तो टोटल यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो 100 को बड़े आराम से क्रॉस करेगी। तो इसी बीच में इंडियन नेवी को LCA नेवी सीरियसली कंसीडर करना चाहिए लिफ्ट रोल्स के लिए, जिसके अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा, साथ ही साथ फ्यूचर में जो मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम बनने वाला है उसको भी सपोर्ट करने में सक्षम होगा। बाकी ये एयरक्राफ्ट प्रॉपरली शोर ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने में सक्षम होगा, और ब्रह्मोस NG के लग जाने के बाद और भी ज़्यादा डेडली हो जाएगा। तो इसके अच्छे खासे चांसेस जो हैं वो यहाँ एग्जिस्ट भी करते हैं कि इंडियन नेवी एज अ लिफ्ट इन्हें ऑर्डर भी करे। तो अगर आप TDBF की टाइमलाइन को लेकर निराश हैं तो ये बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल समय पर है। जो MiG-29Ks हैं उनको कम से कम 20 साल की तो सर्विस इंडियन नेवी को देनी चाहिए, और ये चीज़ शुरुआत से ही क्लियर थी कि जो TDBF होंगे वो MiG-29K को ही रिप्लेस करेंगे। तो टाइमलाइन बिल्कुल ठीक है, और आमका Mk2 के साथ पैरेलल डेवलपमेंट का फायदा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, दोनों के बीच में एवियोनिक्स शेयर होंगे, जो कि इसे 4.5++ जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना देंगे, जो कि उस टाइम के हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो TDBF को लेकर। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय।